समस्या है तुम्हारी सवेरे सवेरे? क्या चाहिए? हैं? क्या हो गया? दीदी को जगाने नहीं जा रही हो तुम? यही मेरे पास बैठी पड़ी हो? क्या हो गया मेरे पुन्नी को? सुंदरा, क्या हो गया मेरे सुंदर को? क्या हो गया मेरे बच्चों को? क्या हो गया? क्या हो गया बिट्टू को? देखे जरा, मुंह देखें। ए ये कितनी खूबसूरत हो तुम, बड़ी खूबसूरत हो। राम राम, प्रणाम आप सबके। हम स्वागत कर रहे थे अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। तो आप लोग ऐसे ही प्यार दुलार सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब करना न भूलें और लोगों से करवाना न भूलें। तो कोशिश करें, सपोर्ट करें। चलिए मैं कुछ खट्टी मीठी चीज़ें अपनी बताती हूँ, मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं क्या सुबह सुबह करती हूँ। तो कुछ तो कांड मेरे साथ हुआ था, आप लोग ज़रूर बने रहें देखें। ज़्यादा टेंशन लेने वाले कांड नहीं है, बहरहाल आगे देखिए, पूरा देखिएगा, समझ में आए क्या कांड हुआ था। मेरा सवेरे सवेरे का टहल के आने के बाद एक चम्मच जीरा, एक छोटी इलायची हरी वाली, ये थोड़ा सा दालचीनी और एक तेज पत्ता और एक टुकड़ा अदरक का, ये इतना सामान सुबह सुबह। अदरक को कूट लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये अदरक को कूट लिया, थोड़ी सी इसी में इलायची को कूट देंगे ताकि छिलका और दाना अलग हो जाए। और इसको उठा के भगोने में एक गिलास फुल पानी में डाल रखा है, गैस ऑन कर दिया है। और ये कूटा हुआ आइटम डाल देंगे इसमें, इलायची और अदरक। फिर इसके बाद ये दालचीनी को भी तोड़ के थोड़ा सा ये दो तीन टुकड़ा कर देंगे, उसको डाल देंगे। फिर इसके बाद इस तेज पत्ते को भी खूब अच्छे से मैश करके डाल देंगे। फिर ये जीरा को डाल देंगे। ये अब ये खूब अच्छे से अपना खोलेगा, करीब इसको खोल जाए। खोलने के बाद फिर तब बताते हैं आगे क्या करना है। आजकल सर्दियों में सुबह सुबह टहलने जाओ तो सुबह सुबह जाने का मन नहीं करता, थोड़ा देर से जाओ तो ये लगता है कि अरे यार इतनी धूप हो आई है, थोड़ा मतलब लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर इस चक्कर में हम पड़ेंगे तो हम टहल नहीं पाएंगे। तो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है जब हमें समय मिलता तब हम अपने आप को समय देते हैं। और ये तो इस टाइम निकलने से कुछ लोगों से मुलाकात हो जाती है, दो चार बातें हो जाती हैं, हालचाल हो जाते हैं सबके, जो जो मिला उससे प्रणाम नमस्कार हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो सुबह में लौट के आने के बाद फिर इसको पीने से क्या रहेगा कि जो थोड़ा सा मैं सफ़र उफर बहुत करती हूँ तो गले में थोड़ी खराश बनी रहती है, थोड़े सर्दी का सीज़न है तो सर्दी लगती है, थोड़ा कफ वगैरह बनता है, थोड़ा घुटने वगैरह दर्द करते हैं। तो ये सारे ड्रिंक लेने से थोड़ा घुटने होंगे, पेट का गैस ख़त्म होगा, कुछ वजन भी कम होने के चांसेज रहते, गारंटी नहीं लेते हम। कोई ऐसा नहीं है कि अगर वजन बढ़ गया है तो वजन घट जाए, हाँ कुछ केस हैं जहाँ कम हो जाते हैं, जैसे थायराइड पतला होने वाला अगर हो गया तो वजन कम हो जाएगा, मोटा होने वाला थायराइड होगा तो आप कुछ भी कर लें किसी कीमत पे नहीं वजन कम होगा, वो और ज़्यादा फुलाते रहेगा। तो उसको मैं नहीं मानती, मेरे कहने का मतलब हेल्थ वही ठीक है जिसमें आप एक्टिव रहें, आप चलते फिरते रहें। आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं आप लोग जान रहे हैं कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं। हाँ थकान मुझे भी लगती है लेकिन मेरा मन नहीं थका रहता है, मेरा मन जब उस दिन थकेगा तो उस दिन शायद दुनिया कुछ नहीं कह सकते। तो मैं वही काम करती हूँ जो मैं खुद में खुश रह सकूँ और घर वाले खुश रह सकें। कौन खुश रहेगा कौन नहीं सबसे मैटर रखता है कि अगर मैं खुश हूँ तो दुनिया खुश है, अगर मैं दुखी हूँ तो दुनिया दुखी है। तो मेरा होने वाला है, अभी देखिए खूब खोल रहा है ना अच्छे से पूरा एकदम। चाय की जगह इसी को ले लेते हैं सवेरे सवेरे, चाय भी काली पीते हैं। तो जितना हो सके एक एज के बाद मीठे को अवॉइड करना चाहिए, खास करके शक्कर चीनी शुगर इनको। तो हम गुड़ का सेवन करते हैं, गुड़ा भी मेरा ख़त्म हुआ है तो पहले इसी को पियेंगे, गुनगुना थोड़ा पियेंगे, इतना खोलता हुआ नहीं। अभी एक मिनट तक और खोलेगा फिर इसके बाद इसको रखेंगे। कोशिश करेंगे नींबू मिला के पिए, अगर नींबू मिला के पीते हैं तो और बेहतरीन रिजल्ट रहेगा, और नहीं भी है नींबू तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास तो नींबू नहीं रहता मैं ऐसे पी लेती हूँ। अब ये प्रॉपर हो गया,
बस इसको ऐसे गैस को बंद करना है, ढक देना है थोड़ी देर के लिए ताकि वो अपना अर्क पूरा छोड़ दे। ये बहुत ही फायदेमंद है, मैं गर्मियों में पी थी 3 महीने। इसको गर्मियों में हमने करीब 1-1.5 महीना पिया था तो बड़ा रिलैक्स हुआ था, बहुत सही हुआ था। उधर जून जुलाई में तो बड़ा हल्कापन महसूस होता था, फिर बीच में बंद कर दिया, अब फिर चालू कर दिए हैं। अब हम इसको छान लेंगे, छन्नी इतनी वजन है पलट जाती है। अब इन सारी चीज़ों को हम फेंकेंगे भी नहीं, ये जितने आइटम हैं ये फेंकेंगे नहीं। जीरा भी गरम मसाला में आता है, तेज़पत्ता गरम मसाला में आता है, दालचीनी, इलायची, अदरक, तो इसको हम अभी जो सब्जी बनाएंगे उसमें पीस देंगे मसाले में, फालतू भी नहीं जाएगा और काम का काम हो जाएगा और आसानी से पिसा भी जाएगा। और ये मेरा ड्रिंक तैयार है, बहुत ही, हाँ जो लोग मीठा उठा पीते हैं उनको कम पसंद आएगा, पर अगर नींबू डाल दो तो टेस्टी लगता है अपने को। एक कहानी बता रही हूँ, मैं परसों गई थी प्रतापगढ़, जब एकदम करीब पहुँची, रास्ता बड़ा ख़राब है, लास्ट में जब नज़दीक जाओ रूम के पास में तो रास्ता बहुत ख़राब है, तो मैं गई और कुछ लोग थे वहाँ, उन लोगों से मैं बातचीत करती थी, करने लगी, महिलाएं थी वहाँ इकट्ठा, तो लोग बताने लगे कि उनके घर में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम, वो सारी बातें होने लगी। बात उत होने के बाद उनके दरवाजे पे नाली थी, उस नाली पे पटिया पड़ा था, पटिया एक ऐसे उबड़ खाबड़ ऐसे था, वहाँ स्कूटी के छोटे टायर होते तो निकालना दूभर था, और जैसे निकालेंगे वैसे इतना ऊँचा था, फिर वहीं से ऐसे टर्न करना था। अब दिक्कत ये हुई कि मैंने प्रयास तो किया, और ये भी था दिक्कत कि दरवाजे पे कुछ परिवार ऐसे थे थोड़ा सा मतलब कि मजबूत टाइप के, तो वो सड़क पे ही कब्जा कर लिए, सड़क पे ही घर बना लिए, तो जिसकी वजह से जिनके दरवाजे से मैं जा रही थी वो लोग कहें क्या करें, थोड़ा सा मेरा बचा है दरवाजा, द्वार बचा है उस पे भी सड़क हम कहाँ से दे दें, जो सड़कें थी वो तो लोगों ने कब्जा करके घर बनवा लिया जो मजबूत टाइप के थे। अब उसी रास्ते के चक्कर में मैं स्कूटी लेके पलट गई, पूरी स्कूटी पलट गई नाली पे, लोगों ने पीछे से स्कूटी उठाया, मैं भी उठी। उठने के बाद मैंने देखा कि मुझे लगा कि कहीं चोट तो नहीं लगी, मुझे पता नहीं चला, फिर इसको उन लोगों ने उठा दिया। उठा के जब मैं घर पे आई, घर पे आने के बाद मैं ऐसे चूड़ी देख रही, चूड़ी मेरी ज्यों की त्यों, इस हाथ की भी ज्यों की त्यों, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। बस दिक्कत क्या हुई बताएं, स्कूटी में जो आगे डिग्गी लगी रहती है मेरे लिए हेल्पफुल ही रहता है, उसमें कुछ सामान हम रख लेते हैं, वो डिग्गी मेरी टूट गई और निकल गई, और डिग्गी कहाँ, ऐसे गाड़ी के अंदर डिग्गी थी, वो टूट गई डिग्गी, बाकी सब कुछ ठीक ठाक रहा, हम एकदम फिट एंड फाइन, न कहीं घुटने में लगा न कहीं कुछ लगा, माता रानी बहुत बड़ी कृपा थी। हम बैठते हैं अपनी स्कूटी पे तो पहले उनका ऐसे चरण स्पर्श करते हैं कि माँ भगवती हम जहाँ भी पहुँचे सकुशल मुझे पहुँचा दो, उतनी दूर की जर्नी कम नहीं होती है महिलाओं के लिए, खास करके 60-65 किलोमीटर पड़ जाता है, अब कल तो करीब 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी मुझे चलाना पड़ा था, दही लेना था, गाँव की दही बड़ी प्यारी होती है, गुलाबी गुलाबी, टेस्टी टेस्टी, बहुत अच्छी होती है, खाने में बड़ा मज़ा आता है। मेरा ड्रिंक भी तैयार है, थोड़ा नींबू होता तो और मज़ा आ जाता, नहीं है नींबू तो कोई बात नहीं, और ऐसा थोड़ी है कि अगर एक चीज़ नहीं है तो उसके बगैर हमारा काम नहीं चलेगा। तो मैं गिरी तो, और जिस कंडीशन में मैं गिरी थी, हेलमेट मेरा सबसे सपोर्टिव था, थोड़ा सा अगर मजबूती न रहता तो सर पे तो तड़ाक से लगता। बहरहाल वहाँ के लोगों ने तुरंत खटाखट खटाखट, महिलाएँ थीं और उनके घर के बच्चे भी थे, फटाक से स्कूटी उठा दिए, मैं उठ के सकसुर फटाफट गई, फिर खाना वाना बनाई, खाना वाना बना के रात रही, फिर सुबह काम धाम निपटा, फिर आ गई वापस अपने कर्म भूमि पे। तो ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहा करें, मैं कुछ न कुछ अपने अनुभव जरूर शेयर करूँगी।